हमें भगवान ने दिया है उसको लेकर के हम आपके साथ हैं, आपको जो भगवान ने दिया उसको लेकर के आप हमारे साथ होंगे। जब हम इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर भगवान का हाथ तो होगा ही, है ही सही, पर हमारे हाथ में भगवान की कृपा और भगवान की कृपा से प्राप्त होने वाला कल्याण मोक्ष भी होगा, हमको भी प्राप्त होगा। और जिनके निमित्त हम कुछ करेंगे, जिनके निमित्त हम संकल्प पूर्वक भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जो कुछ करेंगे, निश्चित रूप से उनका भी कल्याण होगा। ये कुछ ऐसे अवसर सनातन धर्म में भगवान ने उजागर करके रखे हैं, प्रकट करके रखे हैं। कृपा पूर्वक प्रभु ने ये अवसर हमारे लिए उपलब्ध कराए हैं, जिनका आश्रय लेकर के, जिन अवसरों का लाभ लेकर के हम आसानी से हमारा और हमारे जो हैं पूर्वज पितर उनका कल्याण कर सकते हैं। महाराज एक अवसर होता है ना, ये अवसर है महाराज। जितने सनातन धर्म के त्यौहार हैं, जितने योग हैं सनातन धर्म के, तिथि वार इत्यादि के जो योग हैं, इस इनको निकाला है ज्योतिष शास्त्र ने महाराज। ऐसे तो देखने में तो हर दिन एक जैसा ही दिखता है, हर दिन एक जैसा दिखता है, हर रात एक जैसी दिखती है, पर इसमें भी हमारे ऋषियों ने खोज की कि दिखने में एक जैसे होने पर भी इनके प्रभाव में फर्क पड़ता है महाराज, प्रभाव में फर्क पड़ता है। हर दिन का अपना प्रभाव है, हर तिथि का अपना प्रभाव है, हर दिन तिथि वार नक्षत्र ग्रह के योग का अपना प्रभाव है महाराज। हमारे ऋषियों ने साधना तपस्या करके और भगवान की कृपा के प्रसाद के रूप में भी ये सारी चीजें खोज करके निकाली और हमारे लिए यहाँ छोड़ करके हमारा कल्याण सरलता से हो जाए चले गए महाराज। यही परंपरा चल रही है अनादि काल से, आगे भी चलती रहेगी। गंगा तो बह ही रही हैं, जब से संसार शुरू हुआ है गंगा बह ही रही हैं, पर गंगा में नहा कौन पाया है, ये बात है बस महाराज। गंगा तो बह ही रही है महाराज, पर स्नान कौन कर रहा है उसमें, स्नान करने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ है। कोई गंगा इज अ होली रिवर कहता है, कोई कहता है गंगा मैया की, फर्क पड़ जाता है महाराज। होली रिवर कह सकते हैं पर ये शब्द की बात है, अंदर की भावना वो बनती है, वो होली रिवर से तृप्त नहीं होती, वो तो गंगा मैया कहने से ही होती है महाराज। हमें ऐसे अक्षर ऐसे शब्द सुलभ हैं ऋषियों की कृपा भगवान की कृपा से, जिनके उच्चारण से हमारा भाव बनता है और वो भाव भगवान से जुड़ता है, भगवान को हमसे जोड़ता है महाराज। गंगा मैया तो बह ही रही हैं, यमुना तो बह ही रही हैं, क्षिप्रा तो बह ही रही हैं, नर्मदा तो बह ही रही हैं, पर किसने दरस परस किया है, किसने मज्जन किया है, किसने पान किया है। ग्रंथ तो कह ही रहे हैं दरस परस मज्जन अरुपाना हरह पाप कह वेद पुराना। तो ऐसे ही हमारे यहां तिथि ग्रह वार योग के नक्षत्रों के ये जो संयोग बने हैं वो तो सब निकलते ही चले जा रहे हैं, पर इन अवसरों का लाभ किसने उठाया है, उनको निश्चित रूप से शास्त्र के अनुसार और भगवत कृपा से लाभ होगा, होता है, होता आया है, होता रहेगा। हम सबको भी इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए, जब जब ऐसे योग सुलभ हों तब तब।